दोस्तों, आपने दुनिया के कई ऐसी जगहों के बारे में सुना होगा जहां लोगों का जाना मना है या फिर आप वहां नहीं जा सकते। ठीक कुछ ऐसी ही जगह भारत में भी हैं जहां आम इंसानों का जाना मना है, और कुछ तो ऐसी जगह हैं जहां लोग डर की वजह से नहीं जाते, क्योंकि इन जगहों पे जाना खतरे से खाली नहीं है। जाने को तो आप जा सकते हैं, लेकिन लौटने की उम्मीद बहुत कम है। निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दोनों ही द्वीप सटे हुए हैं। अंडमान आइलैंड पे तो आप जा सकते हैं, लेकिन निकोबार आइलैंड पे आम इंसानों का जाना मना है। निकोबार के जंगल बहुत ही शांत हैं, और यहाँ के बीच तो दुनिया में सबसे लाजवाब हैं। लेकिन आप यहाँ पे नहीं जा सकते। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक जनजाति रहती है जो बहुत ही खतरनाक है, और वो बाकी दुनिया से कटे हुए हैं। यहाँ के खूंखार आदिवासियों की वजह से ही यहाँ पे लोगों का जाना मना है, लेकिन कुछ फॉरेनर्स को केवल रिसर्च करने के लिए यहाँ जाने की इजाजत दी जाती है, वो भी उनकी जिम्मेदारी पे, जिन्हें एक खास तरह का पास दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं जा सकता। चंबल घाटी, मध्य प्रदेश। डाकुओं का जिक्र होते ही सबसे पहले हमारे जहन में मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का नाम आता है। कुख्यात और क्रूर डाकुओं का अड्डा रही चंबल घाटी खुद में अनगिनत कहानियां समेटे हुए है। इस घाटी के पास ही चंबल नदी भी बहती है, जिसमें खूंखार मगरमच्छों का बसेरा है। इस घाटी में कई गहरी गुफाओं का जाल भी बिछा हुआ है। ये सब मिलकर इस चंबल घाटी को खतरनाक और रहस्यमयी बना देता है। शायद यही वजह है कि लोग यहाँ दिन में भी जाने से कतराते हैं। दरअसल चंबल में कई हेक्टेयर की जमीन बीहड़ है, जो डकैतों की सबसे बड़ी पनाहगार मानी जाती है। यहाँ के पुराने डाकुओं ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन अब कुछ नए नौजवान डाकू पैदा हो गए हैं, जो कि बहुत खूंखार हैं और जिनका कोई भी नियम और कायदा कानून नहीं है। इन्हीं सब कारणों की वजह से लोग यहाँ जाने से भी कतराते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरला। साइलेंट वैली अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। भारत के 7 वंडर्स में से एक है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तो वैसे घूमने के लिए ही होते हैं, और ये पार्क भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन माओवादियों की वजह से अब ये लोगों की आंखों से ओझल हो रहा है। केरला का ये नेशनल पार्क इतना खूबसूरत है कि दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते थे, इसके सौंदर्य को देखने के लिए। लेकिन माओवादियों की संदिग्ध गतिविधियों की वजह से लोगों का यहाँ आना अब लगभग बंद हो गया है। आए दिन यहाँ पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। यहाँ पे जाना अब खतरे से खाली नहीं है। बहुत जरूरी काम हो तो ही लोग यहाँ जाते हैं, और वो भी पुलिसकर्मी साथ रहते हैं। BARC मुंबई। BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि मुंबई में स्थित है। यहाँ पर न्यूक्लियर पावर से जुड़ी रिसर्च की जाती है। पोखरण में टेस्ट किया गया न्यूक्लियर बम यहीं से ले जाया गया था। यहाँ पर सिर्फ यहाँ के ऑफिसियल्स और छात्रों के इंडस्ट्रियल विजिट के अलावा और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एरिया 51 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुछ वैसी ही जगह है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसे भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार तैयार किया जा रहा है, जो कि एक लेजर बीम हथियार है, जिसे काली नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट रहती है। आसपास के इलाकों में कड़ी नजर रखी जाती है। यहाँ के इलाके में कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर संदिग्ध व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है।
एक्साई चिन जम्मू कश्मीर। दिखने में ये जगह तो बहुत सुंदर है। ये जगह भारत और चीन का बॉर्डर है। एक्साई चिन एक सीज फायर लाइन है जो चीनी नियंत्रित क्षेत्र से भारतीय नियंत्रित राज्य जम्मू कश्मीर को अलग करता है। एक्साई चिन को LAC के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन के बीच का विवादित क्षेत्र है। असल में ये जगह जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा हुआ एक हिस्सा था। एक्साई चिन से तुर्किस्तान एक रास्ता जाता है, जो कि तुर्किस्तान और भारत के बीच संस्कृति, भाषा और व्यापार का रास्ता था, लेकिन चीन कहता है कि ये इलाका उसका है। एक्साई चिन के इस सीज फायर लाइन को दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक माना जाता है। ये LAC लद्दाख के पंगोंग लेक से होते हुए जाता है। ये बहुत ही संदिग्ध जगह है। संदिग्ध गतिविधियां होते ही यहाँ पर सीधे गोली मार दी जाती है, इसलिए यहाँ पे लोगों का जाना सख्त मना है। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।